मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अक्षय कुमार के 2025 की बाप लेवल मूवीज की लाइनअप दोस्तों, एक से बढ़कर एक लाइनअप थी विद रिलीज डेट। टॉप 6 ऐसी खतरनाक फिल्में, आपने वो वीडियो नहीं देखी जाके चेकआउट करिए। मैंने उस वीडियो का दोस्तों अंत किया था ऐसी खतरनाक न्यूज से कि करण जौहर दोस्तों फिल्म लेके आ रहे हैं एस शंकर नायर की बायोपिक, उसमें अक्की पाजी लीड रोल में, फीमेल लीड यार सॉरी टू से अनन्या पांडे है। एंड ये फिल्म दोस्तों होली पे आ रही है 2025 पे। तो मैंने उस वीडियो में आपको यह बोला था कि करण जौहर हाथ जोड़ के, पैर पड़ के, अपनी नाक रगड़ के अक्षय कुमार को यह बोल रहे हैं कि आप अपनी फिल्म जोली LLB3 को पोस्टपोन कर दीजिए। अब क्या है पूरी न्यूज़ आज जानते हैं फटाफट से दोस्तों। अक्षय कुमार ने 2024 में दोस्तों 3-4 बड़ी फिल्में फ्लॉप दी। सबसे बड़ी फिल्म थी BMCM। तो भाई अब प्रोड्यूसर एंड मेकर बहुत ही फूक फूक के अपने पैर रख रहे हैं अक्षय कुमार के साथ हाथ मिलाने के लिए। तो करण जौहर ने सीना ठोक के हाथ मिलाया अक्षय कुमार से उनकी एक फिल्म सी शंकरन नायर की बायोपिक में दोस्तों। एंड यह फिल्म दोस्तों होली पे आ रही है 2025 में मार्च में। एंड उसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियली हो चुकी है धर्मा प्रोडक्शन के अंदर। एंड अब करण जौहर अक्षय पाजी को बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ अपनी जोली LLB3 की रिलीज डेट आगे खिसका दीजिए एक दो हफ्ता, क्योंकि जो फिल्म आ रही है ए शंकर नायर की दोस्तों वो आ रही है होली के मौके पे 15 मार्च के आसपास, 20 दिन बाद ही यानी कि 10 अप्रैल को आ रही है जोली LLB3। एंड दोनों ही फिल्में दोस्तों कोर्ट रूम ड्रामा है, तो दोनों में हल्का फुल्का गेटअप सेम होने वाला अक्की पाजी का, यानी कि ब्लू शर्ट एंड वो ब्लैक लोअर वाला कोट। तो कई फैंस के बीच हाइप कम ना हो जाए ए शंकर की बायोपिक की, तो इसलिए चाहते हैं कि करण जौहर कि आपको जोली LLB3 को पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि जो ए शंकर नायर की बायोपिक है वो फिल्म आ रही है होली के मौके में, उसके तो प्रमोशन होंगे दोस्तों वो भी कम से कम 2-3-1 महीने पहले होंगे। एंड सेम जोली LLB3 का प्रमोशन दोस्तों 1 महीने पहले स्टार्ट होगा, तो प्रमोशन में दिक्कत आएगी, रिलीज डेट भी 2 हफ्ते आगे पीछे उसमें दिक्कत आएगी, एंड दोनों का जेनर भी सेम है कोर्ट रूम ड्रामा, ये दिक्कत आएगी। एंड आगे हुआ ये कि जो जोली LLB3 के मेकर्स हैं उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम अपनी फिल्म को पोस्टपोन नहीं करेंगे, हमको मुश्किल से ये डेट मिली है एंड हमने ये डेट 2024 में ही अक्टूबर से पहले सितंबर में ही अनाउंस कर दी थी फैंस के लिए, यानी कि जो फिल्म आने वाली है 8 महीने बाद हमने उसकी अभी से रिलीज डेट अनाउंस इसलिए करी क्योंकि 10 अप्रैल के आसपास काफ़ी वीकेंड हैं, गवर्नमेंट हॉलीडे हैं, फेस्टिवल, तो हमको कम से कम 2 हफ्ते का लॉन्ग रन सिंगल रन हॉलीडे का मिल जाएगा, हमको काफ़ी फ़ायदा होगा फाइनेंशली। तो ये थी टैक्टिक जोली LLB3 के मेकर्स की, तो इसलिए वो अपनी फिल्म का पोस्टपोन नहीं करना चाहते। एंड दूसरी तरफ करण जौहर नाक रगड़ रहे हैं अक्षय कुमार को कि आप प्लीज़ कुछ तो जुगाड़ लगाइए वरना हमारी ये फिल्म ए शंकर नायर की बायोपिक डूब जाएगी। तो अब ये माहौल बना हुआ बॉलीवुड में अक्की पाजी को लेके, उनकी 2 फिल्में शंकर नायर एंड जोली LLB3 एंड प्लस करण जौहर को लेके, तो ये सीन है, देखते हैं आगे क्या होगा, आपको अपडेट दे दूंगा। बाय गाइस, टेक केयर।